आज हमारे साथ हैं जफर इकबाल भट्टो साहब, और आज हमने इनको एनर्जी अपडेट के इस चैनल के लिए इनवाइट किया है। और जफर साहब, हम सब के लिए फ़ख्र की बात है कि इन्होंने अभी हाल ही में 23 मार्च को यौम पाकिस्तान के मौके पर प्राइड ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड सदर पाकिस्तान से हासिल किया है, और ये अवार्ड उनको दिया गया है इनकी उन खिदमात पे जो उन्होंने बलूचिस्तान में डैम्स की, छोटे डैम्स की तामीर में एक बड़ी कहता हूँ काबिल कदर कोशिश की इनकी और इनकी टीम ने और हुकूमत बलूचिस्तान ने, कि वहाँ पर 100 डैम का एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया। उसकी तफसील और इसकी बातें तो ये बताएंगे हमें। सबसे पहले तो मैं जफर इकबाल साहब आपको मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत मैं कहता हूँ कि आप इस अवार्ड के ना सिर्फ हकदार थे बल्कि और भी पजीराई के हकदार हैं, कि आप जैसे लोगों को पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं और बलूचिस्तान जैसे पसमानदा सूबे में आपने काम किया, उसके लिए मैं समझता हूँ कि सब हम सब के लिए आप काबिल फ़ख्र हैं, और आपको बहुत बहुत मुबारक हो इस अवार्ड की। मज़ीद मैं जानना चाहूँगा कि इसका क्या पस मंज़र था अवार्ड का, और अवार्ड दिया गया आपको किस तरह से दिया गया, इसकी तरह थोड़ी सी तफसील। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतने अच्छे अल्फाज में तारुफ़ करवाया, और आपका शुक्रिया कि आपने अवार्ड पे मुबारकबाद दी। ये अवार्ड जो है असल में हर साल ऐसे लोगों को दिया जाता है जो अपने अपने शोबों में नुमायाँ काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो सर्विसेज हैं वो इस तरीके से नुमायाँ नहीं हैं इतनी, तो लोगों को तलाश करके उनको ये अवार्ड दिया जाता है उनकी खिदमात के सिलसिले में। मुझे ये अवार्ड दिया गया है जो हमारा 100 डैम्स का प्रोजेक्ट था बलूचिस्तान का, उस पर काम करने के हवाले से। ये गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जो कि 2008 से जारी है, और जिसमें 20 साल के अंदर जो है 100 डैम की तामीर जो है वो मुकम्मल करनी है। अब तक इसकी 3 फेजेस हो चुकी हैं जिसमें हर फेज़ में 20 डैम बने हैं, और तकरीबन 60 डैम जो हैं इस वक्त ऑन ग्राउंड मुकम्मल हो चुके हैं, उनमें पानी भी आ चुका है और उनसे फ़ायदा होना शुरू हो गया हुआ है। अब इसके बाद इसके चौथे फेज़ पे काम शुरू है जिसमें 20 डैम और कंस्ट्रक्ट होंगे अगले 4 साल में, तो इंशाल्लाह 2028 तक जाके ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें 100 डैम बलूचिस्तान के हवाले से एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अब इन 60 डैमों से भी जो अभी तक मुकम्मल हुए हैं, कुछ 3.25 लाख एकड़ फुट से ज़्यादा जो पानी का ज़खीरा है वो अवेलेबल हो गया हुआ है, और जिससे ज़रात वहाँ की पानी की ज़रूरियात, आपको पता है बलूचिस्तान जो है वह एग्रीकल्चर सूबा नहीं है, वहाँ पे ज़्यादातर गिलाबानी होती है और जानवर मवेशी पाले जाते हैं, तो उनके पीने का पानी, इंसानों के पीने का पानी, इसके अलावा ज़ेर ज़मीन पानी है उसकी सतह को बुलंद करने के लिए, और साथ साथ जो फ्लड प्रोटेक्शन है कि ड्यूरिंग फ्लड्स जो इतनी तो तेज़ी से पानी आता है जिससे बहुत तबाही होती है, पानी का कटाव और रास्ते बंद हो जाते हैं, तो उनको रोकने में भी ये हेल्पफुल होंगे। जी, बहुत बड़ी तब्दीली है जो कि बलूचिस्तान में आई है, और मज़ीद उसके असरात और जो उसकी कामयाबी है वो मज़ीद इंशाल्लाह देखने को मिलेगी। मैं ये जानना चाहूँगा, अवार्ड नॉर्मली उन शख्सियात को मिलते हैं ज़्यादातर जो तासुर है कि ये सिफारिश है या कोई और इस तरह की, मतलब आपने एप्लीकेशन दी हो या कोई और इस तरह से कोशिश की हो, तो ये आपको कैसे अवार्ड दिया गया? जी, इस सिलसिले में जो पाकिस्तान आर्मी का जो इदारा है ISPR, बेसिकली उनकी ज़्यादा काविश है, मेहनत है, और वो लोग सारा साल मीडिया के ज़रिए और अपने ज़राए के ज़रिए ऐसे लोगों की तलाश में रहते हैं कि जो अपने अपने फील्ड में बग़ैर किसी सिले के, बग़ैर किसी सपोर्ट के ज़्यादा अपने तौर पे खिदमात सर अंजाम दे रहे होते हैं, तो उनको ये स्क्रीन आउट करते हैं, और उसमें से जो अच्छे नुमायाँ लोग हैं उनको फिर यौम पाकिस्तान के ऊपर ये प्राइड ऑफ पाकिस्तान के लिए नामज़द करते हैं। तो इसमें ज़्यादातर काम जो है, और जो लोग नामज़द होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं कि जो अपनी कोशिश, हिम्मत और मेहनत से और अपनी मोटिवेशन से अपने अपने फील्ड में, जो चाहे वो खेल का शोबा है या वो लिटरेचर है या इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, तिब है, इस तरह मुख्तलिफ हवालों से वो हर शोबे से लोग इकट्ठे करते हैं, जिनको 50 से 100 लोगों को वो हर साल प्राइड ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड देते हैं। जी, अच्छा, तो क्या अब आपकी जिम्मेदारियाँ नहीं पड़ती इस अवार्ड लेने के बाद? जी, डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा ऑनर है हमारे लिए कि मुल्की सतह पर इन खिदमात को रिकगनाइज़ किया गया,
और हम पे अब मज़ीद ज़िम्मेदारी आयद हो गई है कि हम इस हवाले से खुसूसन पानी के हवाले से अपने मुल्क के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सोचें और अमली तौर पर जो भी कर सकते हैं हम कर गुजरें। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया।